छतरपुर रेंज डीआईजी ललित शाक्यवार द्वारा टीकमगढ़ के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बताया गया है कि पुलिस को जनता से तालमेल बनाकर रखना चाहिए, थाने के माहौल को अच्छा होना चाहिए और शिकायत पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को पूरा भरोसा दिलाना चाहिए कि पुलिस उनके साथ है और उनका कार्य पूर्ण होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गतिविधियों पर नजर रखने की समझाइश भी डीआईजी द्वारा दी गई। डीआईजी द्वारा टीकमगढ़ एसपी रोहित काशवानी के कार्यकाल की प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में अपराधों में काफी गिरावट आई है और पुलिस जनता के बीच कई बार अच्छे तालमेल बने हैं। उनके द्वारा जन चौपाल का आयोजन भी किया गया और पुलिस और पब्लिक के बीच संवाद हुए और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया गया। और उसमें कहां पर अपराधों को हम कैसे रोक सकते हैं, चाहे वो महिला संबंधी अपराध हो, चाहे SC ST से रिलेटेड अपराध हो, तो उसमें सभी थाना वाइज सभी की बारीकी से समीक्षा की गई है। कई जगह बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ कमियां पाई गई हैं, वो पूरे निर्देश दिए गए हैं। चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे पटाखा फैक्ट्री हो या मैगजीन हो, पेट्रोल पंप के पास नहीं होनी चाहिए, रहायशी इलाके में तो नहीं आ गई है, तो मतलब एक सेंसिटाइजेशन वाली जो क्राइम मीटिंग के साथ साथ कैसे पुलिस को संवेदनशील होना है, कैसे जो थाने में पुलिस का व्यवहार होता है जनता के प्रति, आम आदमी के प्रति, कि वो थाने में आए तो उसे ये नहीं लगे कि मैं थाने में आया, बल्कि उसे ऐसा लगे कि वास्तव में मेरी बात सुनी गई और जो थाने का जो माहौल था वो मुझे वास्तव में घर जैसा लगा। तो इस तरह से बातें की गई है। साथ में अभी जैसा आपको मिले थे कि लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे वो हम फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंसी के साथ निर्भीक इलेक्शन हम लोग कैसे कर पाएँ, उसमें हमें क्या क्या मापदंड अपनाने हैं, किन किन चीज़ों को हमें देखना है। जो बॉर्डर के इलाका है, चूँकि टीकमगढ़ फांसी लगा हुआ है, तो थाना प्रभारी स्तर पर UP के थाना प्रभारी, SDOP स्तर से SDOP आपस में तालमेल बना के रखें, उनके बीच में कम्युनिकेशन बना है, जिससे कि आगामी जो इलेक्शन है उसको हम शांतिपूर्वक तरीके से एवं निर्भीक रूप से संपन्न करवा पाएँ।